नमस्कार दोस्तों, सीट मेटल में पिछली वीडियो में हमने बात करी थी दोस्तों स्टेक्स एंड इट्स टाइप्स और यूजेस की। इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों मैलेट्स एंड हैमर्स, मतलब कौन कौन से मैलेट्स और हैमर्स जो है सीट मेटल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। मैलेट्स बताया था दोस्तों हमने लकड़ी का हथौड़ा, और हैमर्स बताया था हमने लोहे वाला हथौड़ा। तो क्या कौन कौन से कैसे यूज किए जाते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं मैलेट क्या होते हैं। सबसे पहले मैलेट इज ए शेपिंग टूल यूज फॉर जनरल पर्पज वर्क लाइक फ्लैटनिंग, बेंडिंग एंड फॉर्मिंग टू रिक्वायर्ड शेप ऑफ सीट मेटल। सीट मेटल को रिक्वायर्ड शेप देने के लिए, जैसे कि फ्लैटनिंग करना है या बेंडिंग करना है या फॉर्मिंग करना है, उस चीज के लिए हम दोस्तों मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मेड ऑफ हार्डवुड, एक अच्छी हार्डवुड के बने होते हैं लकड़ी के। वेन यूजिंग एनी मेटल हैमर फॉर फ्लैटनिंग द सीट मेटल द फेस ऑफ द हैमर मे डैमेज और लीव इंप्रेशन ऑन द सीट मोर देन वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। टू अवॉइड सच डैमेज एंड ए इम्प्रेशन मैलेट्स आर यूज। यदि हम हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हैमर का, तो उससे क्या होता है, जो हमारी सरफेस जो होती है उसकी, वो डैमेज भी हो सकती है और उस पर निशान भी पड़ सकते हैं। इन चीजों से बचने के लिए हम मैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लकड़ी वाले हथौड़े आपके। तो कितने टाइप्स के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ऑर्डनरी मैलेट्स, बॉसिंग मैलेट एंड फेक्ड मैलेट्स, रॉ हाइड मैलेट्स। तो आइए दोस्तों जानते हैं मैलेट्स के बारे में। ऑर्डनरी मैलेट्स क्या होते हैं, ये दोस्तों फिगर दिखा रखे हैं, देखिए ये आपका बूसिंग मैलेट है, ये एंड पैक्ड है, ये नीचे रॉ हाइड और ऊपर सबसे ऊपर आपका ऑर्डनरी वाला दिखा रखा है। इसमें हैंडल, बॉडी और इसके फेस हैं, ये तीन पार्ट्स होते हैं इसके। ये दोस्तों इनके अलग अलग प्रकार हैं। ऑर्डनरी मैलेट्स कौन से होते हैं, बोथ द फेसेस ऑफ द मैलेट्स आर प्रोवाइडेड द लिटिल कॉन्वेक्सिटी। जो दोनों इसके फेस होते हैं, दोनों में पहले तो लिटिल कॉन्वेक्सिटी होती है। इफ द फेस इज नॉट इन कॉन्वेक्स शेप, यदि फेस कॉन्वेक्स शेप में नहीं है, द एजेस ऑफ द मैलेट फेस गेट फ्रोजन वाइल बीटिंग द जॉब। तो जब जॉब को पीटते हैं तो जो है फ्रोजन हो जाती है। मैलेट्स आर स्पेसिफाइड बाई द डाया एंड द शेप ऑफ द फेस, फेस की शेप के अकॉर्डिंग और इसके डाया के अकॉर्डिंग जो है ये मार्केट में पाए जाते हैं। मैलेट्स आर अवेलेबल इन 50 mm, 75 mm एंड 100 mm डाया। यदि इसके डाया की बात करें तो 50 mm में, 75 mm में और 100 mm डाया के पाए जाते हैं। अवॉइड यूजिंग द मैलेट एज हैमर फॉर डूइंग चिपिंग एंड टू ड्राइव नेल्स एंड वर्क ऑन द शार्प कॉर्नर्स, इफ सो द फेस विल गेट डैमेज एंड द मैलेट इज लेबल टू ब्रेक। जब कभी कोई लोहे वाली कील वगैरह निकालनी हो या लोहे से रिलेटेड कोई काम होता है, तो दोस्तों वहां पर इस मैलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उस कंडीशंस में हमको हैमर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोस्तों मैलेट्स थे, अब आइए जानते हैं हैमर्स के बारे में। एन इंजीनियर्स हैमर इज ए हैंड टूल यूज फॉर स्ट्राइकिंग पर्पज वाइल पंचिंग, वेंडिंग, स्ट्रेटनिंग, चिपिंग, फोर्जिंग एंड रिविटिंग। जब ये डिफरेंट प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, पंचिंग वगैरह, बेंडिंग वगैरह, स्ट्रेनिंग वगैरह, चिपिंग वगैरह, फोर्जिंग वगैरह, रिविटिंग वगैरह, तो इन पर्पज के लिए हम किस इस्तेमाल के हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं, हैमर का। पार्ट्स ऑफ ए हैमर, हैमर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, द हैमर्स हेड इज मेड ऑफ ड्रॉफ्ट फोर्ज्ड, जो इसका फेस होता है वो ड्रॉफ्ट फेस का, ड्रॉफ्ट फोर्ज्ड कार्बन स्टील का होता है। वाइल द वुडन हैंडल मस्ट बी कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग शॉक्स, और जो इसके अंदर जो लकड़ी का जो ये हैंडल होता है, ये ऐसा होना चाहिए ताकि उसके शॉक्स को, झटकों को झेल सके। द पार्ट्स ऑफ ए हैमर हेड्स आर फेस, पिन, चीक, आई होल, चेक आई होल, पोल एंड नेक। ये इसके दोस्तों पार्ट्स हैं दोस्तों, लिख भी रहे नीचे फिगर में दिखा रखें, इस फिगर का ध्यान रखना है, फिगर आ जाता है पूछ लेते हैं कौन सा पार्ट्स कौन सा है, और ये आपका जो ड्रॉफ फोर्ज कार्बन स्टील का जो आपका हेड बना होता है इससे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इसमें दोस्तों होता है वॉल पेन हैमर। ए वाल हैमर कंसिस्ट ऑफ ए हेड एंड ए वुडन हैंडल, ये दोनों में सेम होते हैं। हैमर यूज फॉर लाइट टेपिंग के लिए एंड हार्ड स्ट्राइकिंग पर्पज वाइल पंचिंग, बेंडिंग, स्ट्रेटनिंग, चिपिंग, फोर्जिंग, रिविटिंग एंड प्लेनिशनिंग। जब हाई पावर की जो पड़ती है, हाई वर्क होता है, तो उस कंडीशन में हम जो है अब दोस्तों इसका हैमर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कौन कौन से फेस क्या होते हैं, पहली बात तो वाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और ये स्ट्रेट पिन हैमर, ये आपके इनके फेस के अकॉर्डिंग इनके जो है ये हैमर्स के नाम हैं। फेस क्या होता है, द फेस इज द स्ट्राइकिंग पोर्शन एंड स्लाइट कॉन्वेक्सिटी इज गिवन टू इट टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, ये जो है ताकि जो है इसके एज पर डिग ना हो, गड्ढे ना पड़े, तो इसको जो है स्लाइटली कॉन्वेक्स कर देते हैं। इट इज यूज फॉर स्ट्राइकिंग वाइल चिपिंग, बेंडिंग, पंचिंग, होलोइंग। चिपिंग के वक्त
बैंडिंग के वक्त, पंचिंग के वक्त, हॉलोइंग के वक्त हम इसका स्ट्राइकिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें दोस्तों पीन, द पी ऑन, ये स्पेलिंग गलत है, पीन है दोस्तों ये, इसमें दोस्तों कई जगह इस पर स्पेलिंग गलत है, लेकिन यहाँ पे पी डबल ई एन पीन, द पियोन, सॉरी नहीं यहाँ पे पियोन वाला, पियोन वाली बात चलती है, द पियोन इज द अदर एंड ऑफ द हेड, सॉरी नहीं दोस्तों वो नहीं है, पीन ही बात है, पी जो दूसरा पार्ट होता है इसका पीन होता है। इट इज यूज फॉर शेपिंग एंड फॉर्मिंग वर्क, ये शेपिंग और फॉर्मिंग वर्क के लिए, जैसे कि रिवीटिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, हॉलोइंग हो गया, इसका काम इसी का होता है। द पिन इज ऑफ डिफरेंट शेप्स सच एज बॉल पिन, क्रॉस पिन एंड स्ट्रेट पिन, द फेस एंड द पिन आर हार्डेंड, जो इसका फेस और पिन होते हैं उनको हार्डेंड कर देते हैं, और ये बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन में पाए जाते हैं। चीक क्या होता है, द चीक इज द मिडल पोर्शन ऑफ द हैमर हेड, हैमर हेड का जो है मिडल पोर्शन होता है, द वेट ऑफ द हैमर इज स्टैम्प्ड हियर, जो हथौड़े का जो वेट होता है वो यहीं पर होता है। दिस पोर्सन ऑफ द हैमर यूज इन लेफ्ट सॉफ्ट, ये लेफ्ट सॉफ्ट के तरफ से इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें आई होल, एन आई होल इज मीन फॉर फिक्सिंग द हैंडल, मतलब जिसके अंदर हैंडल डालते हैं उसको आई होल बोलते हैं। इट इज सेफ टू फिट द हैंडल रिजिडली, इसकी सेप ऐसी होती है कि ताकि उसके अंदर जो है मजबूती से, दृढ़ तरीके से जो है हैंडल फंस जाए। द वेजिज सिक्योर द हैंडल टाइट इन आई होल, जो वेजिज टाइप की जो सेप होती है इसकी, उसकी वजह से जो है हैंडल जो होता है आई होल के अंदर फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, एन इंजीनियर्स हैमर इज स्पेसिफाइड बाय इट्स वेट एंड द शेप ऑफ द पिन, पिन की शेप के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग जो है ये हथौड़े मार्केट में मिलते हैं। द वेट वेरीज फ्रॉम 125 ग्राम्स टू 1500 ग्राम्स, मतलब 125 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो तक के ये मिल जाते हैं। द वेट ऑफ एन इंजीनियर्स हैमर नॉर्मली यूज फॉर मार्किंग पर्पज इज 250 ग्राम्स, जो मार्किंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं हथौड़ी को, 250 ग्राम की हथौड़ी होती है दोस्तों। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, द बॉल पिन इज यूज फॉर रिवीटिंग, बॉल पिन का इस्तेमाल हम रिवीटिंग के लिए, द क्रॉस पिन इज यूज फॉर स्प्रेडिंग द मेटल इन द वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मेटल को फैलाने के लिए हम आपका क्रॉस पिन का, और द स्ट्रेट पिन इज यूज एट द कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स पर स्ट्रेट पिन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये तरीके के हिसाब से दिखा रखे हैं कि कौन से कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सीट मेटल हैमर्स की। अब सीट मेटल हैमर्स कौन से होते हैं, दे आर सम स्पेशल टाइप ऑफ हैमर्स यूज इन सीट मेटल ट्रेड, ये सीट मेटल ट्रेड में होने वाले स्पेशल टाइप्स के हैमर होते हैं विच आर कॉल्ड सीट मेटल हैमर्स, इनको हम सीट मेटल हैमर्स के नाम से जानते हैं। दे आर सेटिंग हैमर्स, रिवीटिंग हैमर्स, क्रीजिंग हैमर्स, स्ट्रेचिंग हैमर्स, होलोइंग हैमर्स, बुलेट हैमर्स, प्लेनिशिंग हैमर्स और आपका पीनिंग हैमर्स, ये आठ प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों, आठों प्रकार के। तो पहला है सेटिंग हैमर, इट्स फेस इज आइदर राउंड और स्क्वेयर इन शेप, जो इसका फेस होता है या तो राउंड होता है या आपका दोस्तों स्क्वेयर शेप में होता है। इट्स पेन इज टेपर्ड फ्रॉम आई होल, आई होल की तरफ से इसकी जो पिन होती है वो टेपर्ड होती है, नीचे फिगर में दिखा भी रखा है दोस्तों। एंड द अदर साइड इज स्ट्रेट इन द हैंडल, दूसरी जो हैंडल तरफ होती है वो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। द टिप ऑफ द पेन इज रेक्टेंगुलर इन शेप, इसकी टिप रेक्टेंगुलर शेप में होती है एंड स्लाइटली कन्वेक्स्ड, और थोड़ी सी कन्वेक्स्ड होती है। इट इज यूज टू सेट अप द सीम्स, सीम्स को सेटअप करने के लिए, फिलेरिंग द एज ऑफ द सिलेंड्रिकल जॉब्स एंड टू सेट अप द लॉन्ग चैनल ऑल्सो, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इट्स फेस इज यूज फॉर जर्नल पर्पज, और जो इसका फेस होता है वो जर्नल पर्पज वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होती है रिवीटिंग हैमर, रिवीटिंग हैमर्स फेस इज राउंड इन शेप, इसका जो फेस होता है वो राउंड शेप में होता है एंड द फेस इज स्लाइटली कन्वेक्स, और जो फेस होता है थोड़ा सा वो कन्वेक्स होता है। इट्स पेन इज लॉन्ग टेपर्ड एंड स्ट्रेट टू द हैंडल वर्टिकली, वर्टिकली हैंडल की तरफ होती है और ये थोड़ी टेपर्ड होती है, लॉन्ग नेक होती है इसकी पेन जो होती है। द टिप ऑफ द पेन इज ब्लेंडेड, जो इसकी टिप होती है ब्लेंडेड होती है। रिविटिंग हैमर इज यूज टू जंप द रिविट सेंक एंड फिनिश द रिविट हेड्स, रिविट हेड को फिनिश करने के लिए और रिविट सेंक को जंप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्रीजिंग हैमर की, इट्स बोथ एंड्स आर शार्पेंड एंड क्रॉस टू द हैंडल, शार्पेंड होते हैं दोनों इसके एंड्स और हैंडल को क्रॉस करते हुए थे एक दूसरे के, एक एक तरफ होगा एक दूसरी तरफ होगा, बीच में हैंडल होता है। एंड मेक्स इट इज यूज टू फिनिश द वायर एजेस, वायर एजेस को फिनिश करने के लिए, फॉल्स वायरिंग एजेस एंड मेक कॉर्नर्स ऑफ द सीट विद द हेल्प ऑफ ए क्रीजिंग स्टेक्स, इसकी सहायता से उसको जो हम कॉर्नर्स वगैरह तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें दोस्तों स्ट्रेचिंग हैमर, इट्स शेप इज लाइक ए
क्रीजिंग, क्रीजिंग क्या करके इसकी शेप होती है हैमर की, बट इट्स पैन हेड आर ब्लेंडेड, जो इसके पैन हेड होता है ब्लेंडेड होता है। इट इज यूज टू स्ट्रेस द सीड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सीड्स, सीड्स की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज मोस्टली यूज रेजिंग ऑपरेशन, रेजिंग ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी होलोइंग हैमर्स, इट्स बोथ एंड्स आर शेप्ड लाइक बॉल एंड वेल पॉलिश्ड, जिसके जो एंड्स होते हैं बॉल के आकार के होते हैं और अच्छे तरीके से पॉलिश्ड होते हैं। ये दोस्तों टी नहीं है, ओनली इट है। इट इज यूज्ड टू मेक होलोइंग ऑपरेशंस ऑन द मेटल सीट, मेटल सीट पर होलोइंग ऑपरेशंस के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। एंड टू रिमूव द डेंट्स फ्रॉम द हॉलोड आर्टिकल्स, और जो हॉलोड आर्टिकल्स के अंदर जो डेंट्स पड़ जाते हैं उन डेंट्स को निकालने के लिए। दिस हैमर इज मोस्टली यूज फॉर पैनल बीटिंग वर्क्स, पैनल बीटिंग वर्क्स की कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना कि कौन सा हैमर किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स पेंस, जो बुलेट हैमर्स है, इट्स पेंस लुक लाइक द हॉलोइंग हैमर, इसका जो पेंस होता है हॉलोइंग हैमर की तरह होता है, बट द बॉडी इज लॉन्गर देन द हॉलोइंग हैमर, लेकिन जो इसकी बॉडी होती है वो हॉलोइंग हैमर से ज्यादा होती है एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी होती है। द पैन एंड्स आर वेल पॉलिश्ड, जो पैन के जो एंड्स होते हैं अच्छे तरीके से पॉलिश किए होते हैं, एंड सूटेबल टू वर्क ऑन डीप पोर्शन, और गहरे का पोर्शन में काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज यूज टू ड्रॉ डीप हॉलोइंग, डीप हॉलो करना होता है जहां पर खाली जगह, वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। वेयर द हॉलोइंग हैमर कैन नॉट बी यूज, एंड ऑल्सो इट इज यूज टू रिमूव द डेंट्स फ्रॉम द डीप होलो पोर्शन, और डीप होलो पोर्शन के डेंट को निकालने के भी इस्तेमाल करते हैं। जहां पर हॉलोइंग हैमर काम नहीं कर सकती वहां पर हम बुलेट हैमर की सहायता से काम करते हैं। नेक्स्ट होती है प्लेनिशिंग हैमर, इट्स वन फेस इज स्क्वेयर एंड अदर इज राउंड, इसका एक फेस स्क्वेयर होता है, दूसरा राउंड इन शेप में होता है, एंड वेल पॉलिश्ड, और अच्छी तरीके से पॉलिश किया होता है। इट्स पैन इज स्लाइटली कॉन्वेक्स, इसका जो पैन होता है थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है। दिस हैमर इज हैवी इन वेट, ये वेट के हिसाब से बात की जाए तो हैवी होती है। इट इज यूज टू गिव स्मूथ सरफेस फिनिश, स्मूथ सरफेस फिनिश देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। टू द जॉब्स विच आर हॉलोड एंड रेज एंड ए प्लेनिश द सरफेस ऑफ द प्लेन सीट की प्लेनिश के वक्त, रेजिंग के वक्त, होलोइंग के वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आती है इसमें पीनिंग हैमर, इट्स फेस इज राउंड, फेस जो होता है इसका राउंड होता है, एंड स्लाइटली कन्वेक्स, कन्वेक्स होता है थोड़ा सा, एंड ए पैन इज जस्ट लाइक स्ट्रेचिंग हैमर, और जो पैन होता है उसका उसका स्ट्रेचिंग हैमर की तरह होता है। दिस हैमर इज यूज टू पीन पॉलिश्ड इंप्रेशंस, पीन पॉलिश जो इंप्रेशंस होते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑन द स्पिंड एल्यूमिनियम जॉब्स पर, ये ध्यान रखना दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एंड हॉलोड कॉपर ब्रास हाउस होल्ड वेसल्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है दोस्तों, स्प्लिट्स वगैरह, ऑयल और ग्रीस वगैरह, ये स्प्लिंटर्स वगैरह, चिप्स, स्प्लिट्स और बर्स वगैरह, वेजेस मिजिंग, यदि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में हमको जो है हैमर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो डू नॉट यूज हैमर्स विद एनी ऑफ दीज फॉल्ट्स, यदि जो भी फॉल्ट्स दिखा रखे हैं निम्नलिखित में से कोई भी फॉल्ट्स है तो उस कंडीशन में हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है हैंड ग्रूवर, ए ग्रूव इज मेड एट द बॉटम ऑफ दिस टूल टू द रिक्वायर्ड विड्थ एंड डेप्थ, कुछ रिक्वायर्ड विड्थ और डेप्थ तक जो है इसमें जो ग्रूव कटे होते हैं, ग्रूव बनते हैं। दिस हैज ए हैंडल इन स्क्वेयर और हेक्सागोनल शेप, जो इसका स्क्वेयर हैंडल होता है वो स्क्वेयर या हेक्सागोनल शेप में होता है, लाइक चीजल टू होल्ड, चीजल की तरह पकड़ने के लिए। दिस होल पार्ट्स इज हार्डेंड एंड टेम्पर्ड, इसका जो सारा पार्ट्स होता है वो हार्डेंड एंड टेम्पर्ड होता है। द हैंड ग्रूवर इज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ग्रूव ऑफ द ग्रूवर, ग्रूवर के ग्रूव के साइज के अकॉर्डिंग इनको स्पेसिफाई किया जाता है। टू अराइव द साइज विड्थ ऑफ द फोल्ड टू सूट ए पार्टिकुलर ग्रूवर, अराइव द साइज विड्थ यानी कि विड्थ को बढ़ाने के लिए पार्टिकुलर साइज के ग्रूवर का इस्तेमाल करते हैं। सबट्रैक्ट द थिकनेस बाय थ्री टाइम्स, थिकनेस को थ्री टाइम्स कम कर देता है टाइम्स फ्रॉम द विड्थ ऑफ द ग्रूवर्स, ग्रूवर्स की उससे। ये दोस्तों इसका फिगर दिखा रखा है साइज ऑफ द ग्रूव एंड सीम का, ये एजेस फोल्डिंग करने का तरीका दिखा रखा है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर हाजिर होंगे। दोस्तों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, हमारी नई वीडियो प्राप्त करने के लिए और अदर्स जो भी आप जानकारी चाहते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना दोस्तों ना भूलें।
नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।